तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खट्टी कड़ी भजिया। तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ले लिया हरी मिर्ची और लहसुन और ज़ीरा, इसको एक में ऐड करके इसे हम एकदम बारीक पीस लेंगे। ये रहा कोथमीर, ये नमक, हल्दी, ये बेसन, ये ज़्यादा बेसन है भजिया बनाने के लिए, ये बघार लगाने के लिए कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची और ज़ीरा, दही, दही तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, दही तो हमें चाहिए ही, दही है। और ये तीन बड़े चम्मच बेसन है, इसका हम घोल बनाएंगे दही मिला के। और ये मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने भजिए बनाने के लिए इसलिए लंबी लंबी पीसेस में कट किए। इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे कि ये प्याज पूरी खुल जाए अच्छे से। ओके, तो चलिए मैं घोल बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। तो हमें ये बेसन लेना है, बेसन में हमें ऐड करना है दही। दही हम ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि कड़ी का मज़ा खट्टेपन में ही आता है, तो इसमें हम ऐड करेंगे दही। तो मैंने 5 इस टाइप की चम्मच से मैंने 5 डाला है, 5 चम्मच दही डाला है। अब उसमें ऐड करेंगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी, उसमें ऐड कर देंगे पानी। पहले थोड़ा पानी लेंगे, उसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो बेसन का वो गाढ़ बन जाती है ना वो नहीं बनना चाहिए लम्स। अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे अच्छे से। हमें इस तरीके से इसका पतला घोल बना देना है। ओके, पतला घोल बनाना है हमें, ज़्यादा थिक नहीं रखना है क्योंकि वो बॉईल होने के बाद और थिक हो जाता है, तो इसे हमें पतला घोल बनाना है। मैं आपको घोल बना के बताती हूँ। तो हमें इस तरीके से इतना पतला घोल बना लेना है। ठीक है, तो ये मेरा घोल बन के रेडी हो गया है। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया, उस पर इतना बड़े साइज़ का मैंने टोक ले लिया है, और थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसमें ऐड करेंगे ऑयल, तो मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है, इसको थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देंगे। उसमें ऐड करना है हमें ज़ीरा, तो मैंने 1/4 ज़ीरा लिया है। अब उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ज़ीरे में ऐड कर देंगे जो मैंने यहाँ पर लिया था हरी मिर्ची, ज़ीरा और लहसुन का पेस्ट, तो मैंने इसको इस तरीके से पेस्ट कर लिया। अब इसमें ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे।
तो यहाँ पे मसाला अच्छे से हो चुका है, भून चुका है। अब थोड़ा सा जिस कटोरी में मसाला था वो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के मसाला इसमें डाल देना, थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देना। अब जो घोल रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देना थोड़ी थोड़ी। इसमें थोड़ा सा है, इसमें पानी ऐड करके वो भी डाल देना। अब इसको स्लोली स्लोली हिलाते हुए पकने देंगे। अब जब तक का इसमें उबाल नहीं आएगा इसे पकने देंगे, ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ भजिया का घोल रेडी करने। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है टब और उसमें डालूंगी ये बेसन, अच्छे से पूरा बेसन डालूंगी इसमें। उसमें ऐड कर दूंगी ये जो मैंने प्याज कट किया था वो, और ये थोड़ी हरी मिर्ची, ज़्यादा तीखा नहीं रखना है, थोड़ा सा। उसमें ऐड कर दूंगी नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना, अच्छे से पहले मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाना है क्योंकि प्याज पानी छोड़ती है, तभी इसमें हमें पानी ही ऐड करना है, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी ऐड करना है। तभी इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं एकदम हल्का। तो ये भजिया का घोल रेडी हो चुका है। अब उसमें ऐड करना है हमें थोड़ा सा कोतमीर, सिर्फ अच्छे से मिक्स कर लेना। तो ये हमारा भजिया का घोल अच्छे से रेडी हो चुका है इस तरीके से। अभी इसे हम थोड़ा साइड में रखेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ भजिया कैसे बनाना, ठीक है। तो भजी के लिए मैंने ले लिया है ये टोप। अब इसको मैं अच्छे से गर्म करूँगी और इसमें तेल ऐड करूँगी। ऐड कर दूंगी मैं तेल, इतना तेल ऐड करना है कि हमारी भजिया अंदर तक डीप हो जाए। तो अब हमें चेक करना है कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। तो तेल अभी गर्म नहीं हुआ है, तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ी सी छोटी छोटी सी भजिया डालेंगे, क्योंकि तो छोटी छोटी इसलिए डालेंगे क्योंकि वो जब वो कड़ी में ऐड होती है तो फूल के बड़ी हो जाती है। तो हम इस साइड में छोटी छोटी भजिया डालेंगे।
ना पकने देना, एटलीस्ट हल्की हल्की गोल्डन होती है ना उसका, इतना ज़्यादा काले नहीं करना है, हल्का गोल्डन करना। तो आप देख लो किस तरीके से वो हल्की हल्की गोल्डन हो रही है। तो हमें ऐसे इसको टर्न करते रहना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हल्के हल्के हाथों से करते रहना है। हल्की गोल्डन हो जाए तब उसे हमें निकालना है। तो ये मेरी भजिया रेडी हो चुकी है मस्त गोल्डन। तो हम इसको अच्छे से तेल निकाल के इसमें इस तरीके से हमने सारी भजियाँ अब बना लेना। तो ये सारी भजियाँ मेरी रेडी हो चुकी हैं। और ये कड़ी थोड़ी रॉकी प्लस मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसे थिकनेस का नीचे बाद में ठंडी होती है तो गाढ़ी हो जाती है। पूरी स्नैक कर दूँगी तो हाथ डाल के तू हाथ तो। तो ये मेरी कड़ी हुई है रेडी। अब मुझे इसे देना है भगार। हाँ मैं